अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्व इम्पल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूरॉन क्या होती हैं, आज हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स क्या होती है, नर्व इम्पल्स कैसे ये हमारे बॉडी में ट्रैवल करती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारा जो इसका है आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। नर्व इम्पल्स देखेंगे हम। सबसे पहले नर्व इम्पल्स होती क्या है। नर्व इम्पल्स की अगर मैं डेफिनेशन देखना चाहूँ तो नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। आपकी एक वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की, यहाँ की एक वेव है यहाँ पर, जो क्या करती है, ट्रेवल करती है, सफ़र करती है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। बात समझ आ गई है। ये हमने कहा वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की, एक वेव है, एक लहर है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की, जो कि ट्रेवल कर रही है, सफ़र कर रही है अलोंग लेंथ ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन में सफ़र कर रही है। और इसमें दो चीज़ों को ये अपने साथ लिए बैठी है, एक तो केमिकल रिएक्शन इसमें ये करा रही है, जैसे ये ऊपर से नीचे आती है, एक तो केमिकल रिएक्शन होते हैं, और दूसरे नंबर पे जो आइंस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नर्व इम्पल्स है, वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की, जो न्यूरॉन में सफ़र करती है दो काम कराने के लिए, एक तो ये केमिकल रिएक्शन कराएगी और दूसरे नंबर पे मूवमेंट कराएगी आइंस की, किस चीज़ में, सेल मेम्ब्रेन में। अब हम ज़रा इसके देखते हैं नर्व इम्पल्स को चलाने में किन चीज़ों का रोल होता है वो हम ज़रा पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है आपने मैयर करना है किसी भी चीज़ की कैपेसिटी को कि वो कितना काम कर सकती है। वो अगर हम हमारे पास वो तराजू वगैरह होते हैं जिस पे आम जो हमारे पास होते हैं, वो 30 किलो हम उसमें से मतलब किसी भी चीज़ का वेट कर सकते हैं, इस तरह हर वो चीज़ होती है उसकी एक कैपेसिटी होती है, एक खासियत, एक सलाहियत होती है काम करने की, उससे ज़्यादा वो कर नहीं पाती है काम। इस तरह आपने किसी भी चीज़ की वो मेजरमेंट करनी है, किसी भी चीज़ की आपने कैपेसिटी देखनी है कि इसकी कितनी सलाहियत है काम करने की, और उस सलाहियत का नाम होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्लियर है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी आपने देखनी है किसी भी चीज़ की वो कितना काम कर सकती है, और ये किस्म होती है स्टोर्ड एनर्जी की। किसी भी चीज़ में जो एनर्जी स्टोर है उसको आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हो। भाई ये शो हमारे पास कब होती है, जिस वक्त आयन पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से जुदा होते हैं, उस वक्त ये अक्रास बैरियर बैरियर के तौर पे वहाँ पे ये एक्ट करती है, और वहाँ पे आपको ये नज़र आती है क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, उसके बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ये है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। आपके पास अगर ये खुदा ना खास्ता सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इस तरफ और इस तरफ जो दरमियान में हमारे पास जो पोटेंशियल पाया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी पाई जा रही है, उस एनर्जी को मैं नाम देता हूँ मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाया जाता है उसको मैं नाम देता हूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। उसके बाद हम देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो पढ़ लिया हमने, अब हम देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम पढ़ने वाले हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम जरा देख लें न्यूरॉन के बारे में पढ़ लें होती कैसे। न्यूरॉन में प्यारे भाई जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये सारे आउटसाइड होते हैं, मेजॉरिटी जो होती है आउटसाइड होते हैं, मतलब बाहर वाली जो साइड है वो इसकी पॉजिटिवली चार्ज होती है, जो इनर साइड होती है अंदर वाली साइड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। बाहर वाली पॉजिटिव चार्ज होती है और अंदर वाली नेगेटिव चार्ज होती है। और ज़रा देखें जो इसमें सोडियम है ये बाहर ज़्यादा पाया जाता है अंदर कम पाया जाता है, पोटाशियम बाहर कम पाया जाता है पोटाशियम अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। जिस वक्त ये याद हो जाएंगे आपका ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा। मैंने कहा है पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज इनसाइड ज़्यादा है, यानी अगर हम इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आप नेट डिफरेंस देखते हो, आप नेट डिफरेंस देखते हो, मौजूदा डिफरेंस देखते हो, फ़र्क देखते हो बाहर और अंदर में कितना फ़र्क है, और उस न्यूरॉन का देखते हो जो कंडक्शन नहीं कर रही होती, एक जगह पे साकन होती है। मैं ज़रा पढ़ने वाला हूँ। द नेट डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन ऑफ आ नॉन कंडक्टिव न्यूरॉन। नेट डिफरेंस है, क्या कहा मैंने, नेट डिफरेंस है चार्ज में बिटवीन इनर और आउटर सरफेस में, किस चीज़ के, नॉन कंडक्टिव न्यूरॉन के, आप इसको कहते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है,
बात समझ आ गई है। और कौन कौन से जो वो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं न्यूरॉन इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, तो सबसे पहला तो होता है सोडियम पोटाशियम पंप, ये यकीनन आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में। उसके बाद नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन है, और तीसरे नंबर पे है लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन। इसमें सोडियम पोटाशियम मतलब अंदर और बाहर जाते हैं, इसको आप नाम देते हो सोडियम पोटाशियम पंप का। और उसके बाद नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन है, इसमें से एब्जॉर्प्शन हो जाती है नेगेटिव आयन्स वगैरह की। और तीसरे नंबर पर लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन है, अंदर से जो पोटाशियम आयन है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ जाती है। मज़ीद जो इसका एक एक की डिटेल है वो अब हम ज़रा पढ़ते हैं जी। हमारे पास है सोडियम और पोटाशियम पंप। सोडियम और पोटाशियम पंप में क्या होता है, हमने पहले भी इसके मुतालिक बात कर ली है कि जो आपका सोडियम है वो बाहर ज़्यादा होता है, जो पोटाशियम है वो इनसाइड ज़्यादा होता है। होता क्या है, बाहर से पोटाशियम अंदर आता है और अंदर से सोडियम जो है वो बाहर जाता है। मतलब कि हम हमारी कोशिश ये है कि हमने चीज़ जहाँ पे भी ज़्यादा है वहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा ही रखनी है। सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, कोशिश है सोडियम बाहर ही ज़्यादा रहे, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, कोशिश रहेगी कि पोटाशियम अंदर ही रहे। उसके लिए क्या होता है, जो आपका सोडियम है वो 10-फोल्ड हायर होता है आउटसाइड, बाहर वाली साइड पे सोडियम 10 गुना ज्यादा होता है, और उसके बजाय हम पोटाशियम देखते हैं तो ये 20 गुना ज्यादा होता है इन साइड पर आउटसाइड की बनिस्बत। मैं एग्जांपल से मतलब कहूँ, अगर ये 10 होंगे क्या चीज़ सोडियम 10 है अगर खुदा ना खास्ता, तो पोटाशियम उस बाहर 10 है तो पोटाशियम अंदर 20 होंगे। तो बाहर मतलब के ये पोटाशियम इन साइड पे 2-3 रख लें और सोडियम जो है वो भी 1-2 रख लें। मतलब के 10% सोडियम ज़्यादा बाहर होता है, पोटाशियम बाहर सोडियम जो होता है वो बाहर 10 गुना ज़्यादा होता है, पोटाशियम जो होता है वो अंदर वाली साइड पे 20 गुना ज़्यादा होता है। क्लियर है जी। हमारे पास आगे है, हमने करना क्या है, हमने एक्टिव रखना है सोडियम और पोटाशियम पंप को, सोडियम को बाहर धकेलना है पोटाशियम को अंदर लेके आना है। और ये आपके सोडियम और पोटाशियम पंप होते कहाँ पे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। और जो आपके ये पंप चल रहा है, ये अंदर बाहर जो आयंस हैं आ जा रहे हैं, ये चलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी की वजह से। एटीपी टूटेगी, टूटने की वजह से ये जो आयंस हैं ये एक्सचेंज होते रहेंगे। क्लियर ये बात यहाँ तक। हाँ जी, उसके बाद हमने कहा कि जो पोटाशियम है, ये पोटाशियम जो होते हैं ये 2 इनसाइड पे आएंगे, और नतीजे में जो सोडियम है ये 3 आउटसाइड पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो अंदर वाली साइड है वो मोर नेगेटिव हो जाती है। हमने वैसे भी नेगेटिव ही रखना है, तो वो ये जाने से वो को मज़ीद नेगेटिव हो जाती है। हमारा जो सारा मरहला है इसमें हमने इन साइड को नेगेटिव रखना है और आउट साइड को पॉजिटिव रखना है। अब हम ज़रा देखेंगे कि नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस का इसकी कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है जी। हमारे पास आगे हैं नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन का क्या किरदार होता है, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन कौन से हैं, प्रोटीन है हमारे पास, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड वगैरह है। ये जो होते हैं ये नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन होते हैं, ये मोर होते हैं इनसाइड। अगर हम अंदर साइड पर देखें तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अंदर वाली साइड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, और ये बाहर अगर हम देखें तो ये नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन। जो पोटाशियम आयन यकीनन पॉजिटिविटी की अलामत हैं, ये जिस वक्त लीक हो जाते हैं यहाँ से खारिज हो जाते हैं, तो यहाँ पे अंदर वाली साइड मज़ीद होती है नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे नर्व इम्पल्स होती है, जिस वक्त ये लीकेज वगैरह हो जाती है फिर वहाँ पे कोई भी कंडक्शन होती है वो नहीं होती है, नो कंडक्शन होती है, कोई भी कंडक्शन नहीं होगी। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर हम देखें तो इसका जो हम अगर इसको मापना चाहें तो वो कितनी होती है, वो अबाउट होती है 70 मिली वोल्ट के। और 1 मिली वोल्ट किस चीज़ के बराबर होता है, ये 1/1000 के बराबर होते हैं। यहाँ जो है हमारा टॉपिक है वो कम्प्लीट अप होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।